हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल भुसावर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हम ऑटो स्विच कैसे लगाएं। ओके फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है मैक्स कंपनी का, इसमें हम ऑटो स्विच लगाएंगे। और फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये 7 वायर का ऑटो स्विच है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम स्टार्टर के जो वायर हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये तीनों वायर हैं जो कि स्टार्टर में इनपुट सप्लाई के लिए जो सप्लाई आ रही है तीनों फेज की, वो तीनों फेज के तीनों वायर हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये आप रेड येलो और ब्लैक वायर देख रहे हैं, ये आउटपुट के लिए है। इस स्टार्टर से आउटपुट जो मोटर के लिए केबल जा रही है, मोटर के लिए सप्लाई इन तीनों वायरों से मोटर के लिए सप्लाई जा रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं ऑटो स्विच, इसमें ये पहले 3 वायर हैं, आप देख रहे हैं रेड येलो और ब्लू। ये तीनों वायर हमें स्टार्टर में जो सप्लाई आ रही है उन तीनों वायरों में हमें ये तीनों वायर लगाने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा ये तीनों वायर हमें कौन कौन से टर्मिनलों में लगाने हैं। आप ये स्टार्टर के जो 3 सप्लाई के वायर देख रहे हैं, इन तीनों वायरों में हमें टर्मिनलों में ये तीनों वायर लगाने हैं जिसमें स्टार्टर की जो 3 फेज की सप्लाई आ रही है। ओके फ्रेंड्स, हमें पहले टर्मिनल में पहला वायर लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये पहला वायर लगा दिया है। इसके बाद 2 फेजों के 2 वायर बचे हुए हैं, उन फेजों के वायरों को भी हमें लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने तीनों फेज के तीनों वायर लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें ये दोनों ब्लैक वायर हैं, ये दोनों ब्लैक वायर एन और बी जो कि हमें कॉइल की सीरीज में लगाने हैं। इन दोनों वायरों को लगाने से पहले फ्रेंड्स, हमें स्टार्टर में से एक वायर हटाना होता है। जो आप ग्रीन बटन देख रहे हैं, इसका जो ग्रीन पुश बटन है, इसका जो ब्लैक वायर है ये हमें हटाना होगा। ये वायर एक साइड से फेज के जो टर्मिनल है उसमें लगा हुआ है और दूसरी साइड से ये ऑन पुश बटन का जो एक टर्मिनल है उसमें लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसमें से हमें एक टर्मिनल में से ये वायर खोल लेना है। मैं इस पुश बटन में से इस वायर को निकाल लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने ब्लैक वायर निकाल दिया है ऑन पुश बटन का जो टर्मिनल है उसमें से। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो दो ब्लैक वायर निकाले थे ऑटो स्विच में से, उन दोनों ब्लैक वायरों को हमें एक इस टर्मिनल में और दूसरे वायर को इस वायर में लगाना है, एन और बी जो 2 वायर हैं उनको। ओके फ्रेंड्स, एन और बी का जो ऑटो स्विच का एक एक वायर है, उन दोनों वायरों में से हमें किसी भी वायर को इस ऑन पुश बटन का जो ग्रीन ऑन पुश बटन है इसके एक टर्मिनल में हम लगा देंगे एक वायर को। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने वायर लगा दिया, आप देख सकते हैं। एक वायर को मैंने ऑन पुश बटन की जो जिसमें से हमने एक ब्लैक वायर हटाया था उसमें मैंने ऑटो स्विच का एन या बी में से एक वायर लगा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, ऑटो स्विच का जो एन या बी में से एक वायर बचा है उस वायर को हम इस वायर में लगा देंगे जो वायर हमने इस पुश बटन में से निकाला है। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने वायर को लगा दिया है। वायर के ऊपर हमें टेपिंग भी कर देनी है, इस पर इंसुलेशन लगा देना है जिससे ये वायर किसी भी टर्मिनल से टच नहीं हो। इसके बाद फ्रेंड्स, ये 2 लास्ट में जो वायर बचे हैं ब्राउन कलर के, ये S1 और S2, ये दोनों वायर हमें ऑन पुश बटन है उसके समांतर में लगाने हैं। ऑन पुश बटन के जो 2 टर्मिनल हैं उन दोनों टर्मिनलों के समांतर में लगाने हैं। इन दोनों टर्मिनल में हम किसी भी टर्मिनल में किसी भी वायर को लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक टर्मिनल में हम एक वायर लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने दोनों वायरों को लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमें दोनों वायर लगा देने हैं ऑन पुश बटन के समांतर में। और फ्रेंड्स, ऑटो स्विच की जो ग्रीन LED है वो ऑन नहीं होता, उसके लिए फ्रेंड्स हमें सप्लाई के जो 2 वायर होते हैं वो हमें चेंज करने होते हैं। ऑटो स्विच के 2 ये वायर हैं, ब्लैक और येलो वायर, ये दोनों हमें चेंज करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ग्रीन LED ऑन हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें जिससे कि मैं कोई भी न्यू टेक्निकल वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।